काशीपुरी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सांगोद के कक्षा कक्ष के लोकार्पण समारोह में जिनके विधायक कोष से ये कमरों का निर्माण हुआ, श्री हीरालाल जी नागर साहब जिन्होंने अपना सारा जीवन गौ माता के लिए समर्पित किया, जिन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से गौशाला चलाई, श्री लठूरी गौशाला के सेवादार रामदास जी महाराज और जिनके नेतृत्व में एक अच्छे संस्कारित शिक्षा के साथ संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान, विचारों से ओतप्रोत ये विद्यालय जो कोटा जिले के अंदर 21 से ज्यादा विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था का काम देख रहे विद्या भारती के अध्यक्ष आदरणीय महावीर प्रसाद जी, इस विद्यालय समिति के अध्यक्ष उमा शंकर जी, मैं जब भी आदर्श विद्यालयों में जाता हूं तो मैं एक बात देखता हूं कि किस तरीके से इन विद्यालयों के माध्यम से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी नई शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति के अनुसार की शिक्षा दे रहे हैं। और आज हमें गर्व है कि हमारी इसी शिक्षा पद्धति के कारण हम बौद्धिक क्षमता से, इनोवेशन से, नए चिंतन नए विचार से हमारा नौजवान आज देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले व्यक्तियों की जीवन की नींव एक ऐसी शिक्षा से होती है जो केवल शिक्षा नहीं होती, जो केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, उसके जीवन के हर पहलू को, उसके जीवन का हर सर्वांगीण विकास हो, उसको नैतिकता की शिक्षा मिले, संस्कार की शिक्षा मिले, तकनीकी की शिक्षा मिले, आध्यात्मिक की शिक्षा मिले और शारीरिक रूप से तन मन स्वस्थ हो, उसके लिए व्यायाम करने का भी अभ्यास करने की शिक्षा मिले। और इसीलिए इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से उनकी अलग पहचान रहती है। प्रार्थना सभा से लेकर अपनी जीवन की जब दिनचर्या शुरू करते हैं और घर पे भी जाते हैं तो उसी तरीके से अच्छी शिक्षा के कारण माता पिता का सम्मान करना और जो गुरुओं ने ज्ञान दिया है उस गुरुओं के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन की राह दिखाना। मुझे खुशी है कि कोटा जिले के अंदर विद्या भारती द्वारा इस तरीके के विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अभाव में होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, कई चुनौतियां रहती है, लेकिन अनवरत शिक्षा और संस्कार का काम विद्या भारती करता रहा है। और मुझे खुशी है कि हम आने वाली पीढ़ी कैसे दे रहे हैं यह हमें विचार करने का विषय है और आगने वाली पीढ़ी आध्यात्मिक की होगी, धर्म की होगी, संस्कृति की होगी, अच्छी शिक्षा की होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की होगी, तो आने वाले समय में हमारा नौजवान नेतृत्व करेगा। मैं पुनः इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सांसद कोष से भी कुछ मांग आई है, निश्चित रूप से आपकी मांग को भी पूरी करेंगे, जो आप उचित समझोगे करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।